मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में आज इंदौर लोकायुक्त द्वारा दो बड़ी कार्यवाही। बुरहानपुर आदिम जाति और कल्याण विभाग ने कल्याण विभाग में कार्यरत जयंत चौधरी, जिन्हें 2 लाख की छात्रवृत्ति स्वीकृति करने के एवज में 15,000 रुपये रिश्वत लेना तय हुई थी, जिसमें आज 5,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए, जिसमें शिकायतकर्ता संतोष अर्जुन पद्मे ने शिकायत की थी। बुरहानपुर जिले में इंदौर लोकायुक्त द्वारा दो बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इंदौर लोकायुक्त DSP प्रवीण सिंह बघेल ने बताया कि बुरहानपुर आदिम जाति और कल्याण विभाग में कार्यरत जयंत चौधरी, जिन्हें 2 लाख रुपये की छात्रवृत्ति स्वीकृति करने के एवज में 15,000 रुपये रिश्वत लेना तय हुआ, जिसमें आज 5,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए, जिसमें शिकायतकर्ता संतोष अर्जुन पद्मे ने शिकायत की थी। वहीं आधार सेंटर शुरू कराने के लिए 30,000 रुपये की रिश्वत लेते CSC अधिकारी अंकित वर्मा को लोकायुक्त पुलिस ने गिरफ्तार किया। आदिम जाति कल्याण विभाग में 15,000 में से 5,000 की पहले किस्त लेते हुए गिरफ्तार किया। आधार सेंटर शिकायतकर्ता जिया हक ने शिकायत की थी। आज लोकायुक्त इंदौर के द्वारा जो है इंदौर इकाई के द्वारा बुरहानपुर जिले में 2 ट्रैप की कार्रवाइयाँ की गई हैं, जिसमें पहला जो ट्रैप की कार्रवाई है वो AJ के ऑफिस है, यहाँ अनुसूचित जनजाति कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग में एक सहायक ग्रेड 3 है, जयंत चौधरी। तो एक संतोष अर्जुन पिता संतोष पद्मे हैं, इनके द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में उपस्थित होकर शिकायत की गई थी कि SC ST एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत इनकी 2 लाख रुपए की राशि शासन से स्वीकृत हुई है, जिसको इनको भुगतान नहीं किया जा रहा, और जब जब भी ये जाते हैं तो उस भुगतान के एवज में इनसे 15,000 रुपये रिश्वत की मांग की जाती है। इनकी शिकायत का सत्यापन कराया गया था। सत्यापन के दौरान 2 किस्तों में जो है 15,000 रुपये की राशि का लेन देन इनसे तय हुआ था। उसी परिप्रेक्ष्य में आज ट्रैप दल का गठन किया गया था, और जो अभी जनजाति कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के सहायक ग्रेड 3 है, जयंत चौधरी, इनको पहली किस्त के रूप में 5,000 रुपये की रिश्वत राशि लेते हुए इनके कार्यालय में रंगे हाथों ट्रैप किया गया है। इसी के कड़ी में एक और दूसरी ट्रैप की कार्रवाई हमारी टीम के द्वारा की गई है, जिसमें यहाँ जो CSC सेंटर हैं उसका जिला प्रबंधक जो है यहाँ अंकित वर्मा, इनके द्वारा जो आधार ID जो होती है उसको चालू करने के एवज में प्रति ID 60,000 रुपये की रिश्वत की मांग की जाती है, जिसकी शिकायत बुरहानपुर के रहने वाले जो जियाउल्लाह अंसारी द्वारा की गई थी। उनके द्वारा बताया गया कि उन्होंने 2 आवेदन दिए गए हैं, तो पृथक पृथक आवेदन के लिए 60-60 हज़ार, इस तरह से कुल 1,20,000 रुपये की रिश्वत की राशि की उनसे मांग की जा रही है। और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि जो ID चालू होने पे प्रति माह 10,000 रुपये उन्हें और अलग से देने होंगे, जिसकी शिकायत